अलमैकम कैसे हैं जी आप सब लोग अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हों अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत फ़रमाए हमारी तमाम मुश्किलात को दूर फ़रमाए आमीन सुम आम और सबसे पहले मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप सब लोगों का जिन्होंने तल के लिए इतनी अच्छी अच्छी दुआएँ कें और आप लोगों का बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया तो और मेरा तो इस बात पर यकीन है कि जब किसी के लिए भी इतने सारे लोग दुआएं करते हैं तो अल्लाह ताला ज़रूर किसी ना किसी की दुआ जो है वो ज़रूर कबूल कर लेता है आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग जो हैं मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा कीमती हैं बहुत पीशियस हैं सारे लोग मेरी यूट्यूब फैमिली तो यहाँ पर अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं और आज तलह का मूड है नाश्ते में एप्पल खाने का तो उसको साथ में एप्पल भी कट कट कर, करके दे रहे हैं और साथ में वो थोड़ा बहुत नाश्ता भी हमारे साथ में कर रहा है और बस रोज़ रूटीन डिफरेंट होती है कभी तलह जो है उसका दिल करता है कि वो आ, नाश्ते में पराठा खाए कभी दिल करता है कि एग के साथ वो नाश्ता करे और कभी उसका दिल होता है कि वो नाश्ता करे ही ना और कभी वो एक फीडर ले, ले लेता है नाश्ते में या कभी इस तरह से होता है कि वो एक एप्पल भी ले, ले लेता है तो बारह दस का टाइम हो रहा है और अभी हमारा नाश्ता हो रहा था तो खैर नाश्ता किया उसके बाद बच्चों को तैयार किया मैंने और मुख्तु जो घर के छोटे मोटे काम होते हैं फ्री हुई उनसे और आज मैंने सोचा कि आज मैं बनाती हूँ टिंडे की सब्ज़ी और टिंडे जो है ये जो बहुत अच्छे लगते हैं और मैं अम्मी से इसकी रेसिपी पूछ आई हूँ असल में मसला ये था कि आ, मैंने आ, टीन डे जो लास्ट टाइम मैंने बनाए थे ना वो मैंने अपने ससुराल में बनाए थे और ये तकरीबन आज से कुछ तीन साल पहले की बात होगी तो मुझे बिल्कुल ही भूल गए कि इनको किस तरह से बनाना है तो मैं अम्मी से उनकी रेसिपी पूछ के आई और मुझे अम्मी की रेसिपी से बने हुए टिंडे जो बहुत अच्छे लगते हैं और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग भी इसी रेसिपी से बनाते हैं या आप लोगों की कोई डिफरेंट रेसिपी है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा इन मैं उसको ज़रूर ट्राई करूँगी तो यहाँ पर मैंने थोड़े से ऑयल में पहले ज़ीरा फ्राई किया और फिर मैंने उसमें टिंडे जो है उसको कट करके वॉश करके उसको अब डाल दिया मैं इसको फ्राई करूँगी और साथ साथ मैं यहाँ प्याज भी कट कर रही हूँ और जी यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ दही और दही भी मैं इसमें ऐड करूँगी तो यहाँ पर जो प्याज और टमाटर हैं ये मैंने पहले ही कट कर रखे हैं क्योंकि मैं सालन बनाने से पहले ही सारी चीज़ें जो है वो रेडी रखती हूँ ताकि मुझे देर ना लगे तो यहाँ पर मुझे इनको फ्राई करते हुए तकरीबन चार से पाँच मिनट हो गए हैं और मुझे ये वाला गोल्डन कलर जो है ये चाहिए सब किंडों का ऑलमोस्ट नाइन्टी तो ये कलर आ जाए तो बस फिर उसके अंदर जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर मैंने इसमें क्या ऐड करना है तो आ, मुझे ऐसे लगा कि क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ तो मुझे लगा कि कहीं ये ज़्यादा ही ब्राउन ना हो जाए और इनका टेस्ट जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म ना हो जाए तो इसलिए मैंने बस इनको हल्का सा और ब्राउन किया और अब मैंने इसमें कटे हुए प्याज जो हैं वो ऐड कर दिए हैं और अब बस मैं प्याज को आ, बिल्कुल हल्का सा इसको सौते कर लूँगी ताकि ये बिल्कुल ही ऐसे आ, नरम हो जाए सॉफ़्ट हो जाए और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर और टमाटर यहाँ पर मैंने एक ही लिया है क्योंकि मुझे इसमें दही भी ऐड करना है

कि मैंने नमक मिर्च और हल्दी ज़ीरा पाउडर धनिया पाउडर ये ऐड किया है और अब इसकी अच्छी तरह से बुनाई करूँगी और बिलीव मी कि जब ये बुनाई मैं अभी कर रही हूँ अभी मिसाले कच्चे हैं तो बिल्कुल जो इसकी जो अरोमा आया है इसकी जो खुशबू आई है वो बिल्कुल इस तरह से है कि जैसे मैं अपने बचपन में चली गई हूँ और अ, मतलब मुझे बचपन के दिन अपने याद आने लग गए बचपन का टाइम याद आने लग गया क्योंकि अम्मी ये वाला सालन जो है वो बड़ा मज़े का बनाती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है तो खैर फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दही ऐड किया है ऑलमोस्ट टू टेबल स्पून ऐड किया होगा और जो फ्लेम है उसको मैंने बिल्कुल लो कर दिया है ताकि अब मैंने इसको जो है दम पे रखना है और दम पे मैंने इसको सिंपल बस इसका कवर करके रख दिया था तो यहाँ पर तकरीबन पाँच से सात मिनट के बाद मैं इस, इसको जो है अब चेक तो मैं दरमियान में करती रही थी क्योंकि पानी इसमें नहीं ऐड तो आपको पता है कि ये नीचे ना लग जाए तो सब्जी जो है वो ऑलमोस्ट डन है और बस मैंने यहाँ पर इसको अच्छी सी इसकी बुनाई कर ली और एंड पर इसमें मैंने जो अपना ये होता है गर्म मसाला पाउडर वो ऐड कर लिया अच्छा जी यहाँ से स्टार्ट होता है आज की वीडियो का सबसे मेन पार्ट और ये आप लोगों ने बहुत सारे मुझे डीएम्स किए कि बजट में रह आप हमें कोई ड्रेस डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ दें तो जो डिज़ाइन मुझे समझ आए जो डिज़ाइन मुझे आसान लगे और मेजोरिटी चीज़ें इनमें से मैंने घर में से निकाली हुई हैं इनके ऊपर लगवाई हैं मैंने बाहर से बहुत कम चीज़ें ली हैं और अगर ली भी हैं तो बहुत बहुत आ, मतलब कम पैसों वाली चीज़ें ली हैं तो खैर सबसे पहला जो ये ड्रेस आप देख रहे हैं ये अलकरम की लेटेस्ट कलेक्शन में से है ये टू पीस ड्रेस है और मैं आपको इसकी फुल लुक भी जो है वो दिखाऊंगी तो इसके फ्रंट पर इस तरह से एक लेस लगी हुई है और साथ में ने नेक लाइन पर एक जो है पट्टी लगी हुई है और इसके जो बाजू हैं इसके ऊपर पैच ये इसके साथ ही थे तो पैच लगवाए हैं मैंने और ये चीज़ मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी और ये लेस जो है रेड कलर की है जिसको सीढ़ी लेस कहते हैं तो ये मैंने घर से निकाली है और ये मैंने चाको पर लगवाई है स्लीवस पर लगवाई है और ये ट्राउज़र साथ में मैच किया है लाइम लाइट का Uh, मेरा दिल था कि मैं डार्क ट्राउज़र इसके साथ लूं लेकिन वो नहीं मिला तो फिर मैंने स्किन कलर का जैसा पैच था वही ले लिया तो फर्स्ट ड्रेस हो गया जी ये सेकंड शर्ट है ये भी अलकरम की शर्ट है और इसकी नेक लाइन पर आप देखें कि बहुत लॉन्ग मैंने इसकी नेक लाइन पर ये लूप्स और जो पर्ल्स हैं ये लगवाए हैं और साथ में ऊपर से एक इसका जो कट रखवाया है और एक और चीज़ इसकी खूबसूरत और वो ये है जी कि इसके बाज़ू जो हैं वो इस तरह से मैंने बनवाए हैं मैं इस तरह के बाज़ू बहुत कम पहनती हूँ लेकिन इस बार मेरा दिल था तो मैंने सोचा कि ये बनवा लूँ और एक और चीज़ इसके दामन पर मैंने इस तरह से जो लूप्स हैं वो इस तरह से लगवाई हैं आप चाहे इसे बड़ी भी लगवा सकते हैं इसे छोटी भी लगवा सकते हैं तो अभी तक आपने जितनी चीज़ें देखी हैं ये मेरे पास तकरीबन घर पे ही मौजूद थी और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो लॉकडाउन होने से पहले पहले क्योंकि पता तो नहीं था कि लॉकडाउन होगा तो वो मैं ले आई थी अच्छा खैर अब दुबट्टा इसका डिस्कस कर लेते हैं जी तो दुबट्टे इसके साथ दो जा रहे हैं एक शॉकिंग पिंक है मेरे पास वो भी इसके साथ जा रहा है ब्लैक दुपटा भी इसके साथ जा रहा है इसके साथ व्हाइट दुबट्टा भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको इसमें येलो ऑरेंज कलर नज़र आ रहा है वो दुट्टा भी बड़ा अच्छा लगेगा तो मेरे पास जो अवेलेबल चीज़ें हैं मैं आपको उन्हीं के दिखा रही हूं क्योंकि मैं इन दोनों में से कोई एक दुपट्टा कैरी करूंगी मोस्ट प्रोबेबली मैं इसके साथ ब्लैक दुपट्टा कैरी करूंगी और ट्राउजर होगा इसका वाइट तो जी ये एक और शर्ट है और ये लास्ट ईयर मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट की थी ये लाइम लाइट की शर्ट है और इसकी नेक लाइन पर मैंने इस तरह से लटकन जो है ये लगवाई है और ये मैंने बाज़ार से ही ली थी ये अक्रम अमान शॉप है वहाँ से बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ें मिल जाती हैं आप लोग जरूर वहाँ से जाकर चेक करिएगा और असल में मैं दुबट्टा जो है वो इस कलर का लेना चाह रही थी लेकिन बाज़ार में मुझे नहीं मिला और डाई वो करवा देते लेकिन टाइम बहुत लग जाना था इसलिए फिर मैंने नहीं लिया दुबट्टा जो है वो आप देख रहे हैं कि फ़्रंट पर जो डिज़ाइन है वो उसके साथ मैचिंग कर रहा है तो मैंने सोचा कि क्यों ना जब शर्ट डार्क है तो दोपट्टा लाइट ही लिया जाए तो दोपट्टा मैंने फिर लाइट कर लिया और ट्राउजर जो है वो आप इसका देख रहे हैं कि ट्राउजर इसका आपको नजर आ रहा होगा लाइट ग्रीन नहीं क्या कलर होगा खैर इस कलर खैर ट्राउजर लिया है मैंने और ट्राउजर आपको दिखा देती हूँ कि कहाँ से मैचिंग किया तो ये जो डिज़ाइन थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है ना तो मैंने इसमें से ये मैचिंग निकाली और ये भी लाइम लाइट का ट्राउज़र है मीडियम साइज़ है थाउजेंड रुपीज़ का जो नाइन नाइन्टी नाइन का आता है वो वाला है और क्योंकि अब इनके पास जब मैंने ट्राउज़र्स लिए तो उनके पास जस्ट बेसिक कलर थे और डिफरेंट कलर्स नहीं थे तो इसलिए फिर मैंने बस ये ले लिया ये एक और शर्ट है और ये बिल्कुल लेटेस्ट कलेक्शन में से है लाइम लाइट की ये एक शर्ट मैंने आपके साथ शेयर भी की थी तो इसकी फ्रंट पे जितना भी ये सारा पैच लगा हुआ है ये सारा जो है इसकी शर्ट के साथ ही था और इसको फ्रंट से मैंने साइड से ओपन रखवाया है अंगरखा स्टाइल है और ओपन है और इसमें सिंपल है बिल्कुल और दुबट्टा जो है वो ये भी मेरे पास रखा हुआ है लास्ट ईयर का एक सूट है उसके साथ का है तो ग्रीन दुपट्टा भी जा सकता है इसके साथ शॉक पिंक भी जा सकता है इसके साथ रेड सॉरी ये जो ब्लैक है ये दुपट्टा भी इसके साथ जा सकता है और ट्राउजर जो है वो इसका मैंने जो है वो आपको दिखाती हूँ वो वाइट रखा हुआ है तो बाकी इसमें डिफरेंट और भी बड़े प्यारे प्यारे कलर्स हैं तो मेरे पास जितने अवेलेबल कलर्स हैं ना तो मैं उनके साथ आपको दिखा रही हूँ तो फ्रंट से मैंने जस्ट इसको इतना ओपन रखवाया मुझे बहुत ज़्यादा ओपन जो है नहीं पसंद तो थोड़ा सा ओपन रखवाया इसको और ये जी ड्रेस की फ़ाइनल लुक है और उसका जो ट्राउज़र है ये भी मैंने लाइम लाइट से लिया था और ये ट्राउज़र जो है ये वाइट कलर का है और आप देख सकते हैं कि इन दोनों दुपट्टों के साथ ये अच्छे से ये जो है ये सूट जाएगा और यहाँ आ आ गया एक और ड्रेस और ये ड्रेस जो है ये लास्ट ईयर मैंने मैकुल कलेक्शन में से लिया था अलकरम की तो इसके ऊपर ये जो आपको मोटिव नज़र आ रहे हैं ये भी मेरे पास घर पे पड़े हुए थे और ये जो लेस है ये भी मेरे पास घर पे पड़ी हुई थी तो मैं जब भी कोई ड्रेस बनाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि पहले घर से चीज़ें देख लूँ जो मैचिंग मिल जाती है घर से वो घर से ले, ले लेती हूँ और साइड पर गोटा लगा हुआ है और ये इसका स्ट्रॉलर जो है ये इसके साथ ही था ये टू पीस था मैकुल कलेक्शन में से तो इसका जो ट्राउज़र है वो लास्ट ईयर ही मैंने ले रखा था लेकिन फिर नहीं सिलवाया था क्योंकि बिल्कुल लास्ट में जाके लिया था तो इसके ट्राउज़र पर इस तरह से मैंने डिज़ाइन करवाया है आप इसको मज़ीद सिंपल भी कर सकते हैं मज़ीद ज़्यादा भी कर सकते हैं और यहाँ पर इस बार जो इसका जो इलास्टिक है वो मैंने इस तरह से आ, कहा था टेलर को कि इस तरह से इसका इलास्टिक लगाए और आप देख रहे हैं जी ये है मेरे ड्रेस की फ़ाइनल लुक और अच्छा मैं इस ड्रेस के बारे में ना बड़ी कॉन्शियस थी कि पता नहीं ये ड्रेस कैसा बनेगा लेकिन अलहमद ये ड्रेस जो है वो काफ़ी अच्छा बना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लास्ट बताइएगा तो uh, मेरे ड्रेस कलेक्शन जो वो वहीं तक की थी ये एक और शर्ट है और ये ऑलमोस्ट फाइव ईयर्स पुरानी शर्ट है ये और ये निकली सामान में से जब उम्मीद वगैरह ने सामान शिफ्ट किया ना तो ये सामान में से निकली तो फिर मैंने रख ली तो इसके ऊपर सेल्फ प्रिंट बना हुआ है और सेल्फ़ प्रिंट के ऊपर जो है वो हल्की सी एम्ब्रॉयडरी है और बहुत खूबसूरत लग रही है आ, इसकी जो तो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ इसका जो दामन है वो बहुत प्यारा बना हुआ है और ये शर्ट जो है ये रेडीमेड ली हुई है ये लोकल मार्केट से ली हुई है आई थिंक ट्वेल्व हंड्रेड की ये शर्ट थी और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस तरह से सेल्फ़ प्रिंट के ऊपर मल्टी कलर्स की एम्ब्रॉयडरी है तो अगर आपके पास इस तरह का अगर कोई ड्रेस हो और आप उसको फैंसी बनाना चाहते हो सेल्फ प्रिंट वाला जैसे आजकल लाइम लाइट के बहुत ज़्यादा ड्रेसेज इस तरह के आ रहे हैं बहुत ज़्यादा शर्ट्स आ रही हैं तो आप उनके साथ इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट है वो कर सकते हैं और आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी और ये थे मेरे ड्रेस जो मैंने डिज़ाइन किए तो जी आज का व्लॉग यहीं तक था उम्मीद है पसंद आया होगा दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह